हेलो स्टूडेंट्स, सो आई रिसीव्ड मेनी मेनी क्वारीज रिगार्डिंग द एडमिशन स्पेशली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अगर अपन बात करें यार इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो वांट टू परस्यू द इंजीनियरिंग कोर्सेज, तो उनके लिए यार क्या सारा प्रोसेस है, क्या सारा सीन है। बिकॉज अगर अपन पहले कुछ राउंड की बात करें, फर्स्ट राउंड की जो हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए जो फर्स्ट राउंड आया था, उसकी जो ऑलमोस्ट सारी की सारी जो सीटें थी वो खाली रही है, यानी कि 1% सीटें भी वहाँ पे नहीं भरी, वैकेंट लिस्ट रिलीज की गई थी। उसके बाद यार सेकंड अलॉटमेंट आया। इसका मेन रीजन ये था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की जो काउंसलिंग चार्जेज है वो काफ़ी कम थे। काफ़ी कम काउंसलिंग चार्जेज होने के कारण बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे उन्होंने भी अप्लाई कर दिया। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से जिनके सबसे अच्छे मार्क्स थे उनको अलॉटमेंट गया, उन लोगों ने कॉलेज के अंदर फीस ही जमा नहीं की तो उनका जो सीट है वो विड्रॉ हो गया। ठीक है, तो फिर क्या सारा सीन है, फिर जो फर्स्ट जो फेज था, फर्स्ट जो काउंसलिंग का राउंड था, उसकी ऑलमोस्ट सारी की सारी सीटें जो है खाली रह गई। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से 11 अक्टूबर 2022 को फिर से सेकेंड अलॉटमेंट रिलीज किया गया, जिसका फीस पे करने का लास्ट डेट था 13 अक्टूबर 2022। उसके अंदर भी ऑलमोस्ट आपको सेम सीन देखने को मिल सकता है। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले ये डिक्लेयर किया गया था कि आपकी जो क्लासें हैं वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी जो एडमिशन से अगर स्पोर्ट राउंड एंड अदर अदर होता है अगर, तो वो 17 अक्टूबर तक कंप्लीट होगा। तो भैया अब क्या प्रोसेस होने वाला है यूजी वाले बच्चों के लिए, क्या सारा सीन है सीयू हरियाणा के लिए। सर, जिस प्रकार से ये सीनेरियो चल रहा है यहाँ पे जो सीटों का है, हालांकि सेकंड राउंड के अंदर जो है काफ़ी सारी सीटें ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाएगी, ओके, लेकिन अगर अपन बात करें यार अभी स्पोर्ट राउंड होने के काफ़ी कम चांसेस हैं, तो आपके लिए यार थर्ड राउंड में जस्ट लाइक ऐसे तो नहीं बोल सकता, लेकिन ऑलमोस्ट थर्ड राउंड आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर। देन उसके बाद यार यहाँ पे स्पोर्ट राउंड भी कंडक्ट होते हैं। स्पोर्ट राउंड में अगर सीटें बच जाती हैं तो जो है वो सीटें फिजिकली भी फिल की जाती है, यानी कि बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाया जाता है, आपका स्पेशल जो भी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, अगर सीयूईटी के बेसिस पे बच्चे अगर ज़्यादा नहीं पहुँचते हैं तो आपका जो भी है ट्वेल्थ बेसिस पे भी अलॉटमेंट दिया जाता है। इस प्रकार से जो है फिजिकली काउंसलिंग भी कंडक्ट की जाती है, लेकिन अभी तो ऑलमोस्ट इनिशियल फेज पे चल रही है काउंसलिंग, बहुत सारी सीटें जो है वैकेंट है। हो सकता है सेकंड राउंड के अंदर थोड़ी सीटें भर जाए, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर भी ऑलमोस्ट उन्हीं बच्चों को अलॉटमेंट जाएगा जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, और अगर उनको डीयू वगैरह में कोई अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं तो वो जो बच्चे हैं हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर नहीं आना चाहेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चों को बीएससी जैसे कोर्सेज देशभक्त जैसे कॉलेजों में, ठीक है, जैसे अदर अदर टॉप जो डीयू के कॉलेजेज है, बीएचयू है, जामिया है, एएमयू है, ऐसे कॉलेजों में अगर मिल रहे हैं तो यार वो जो है हरियाणा की तरफ या फिर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ नहीं आएंगे, तो जो है उन बच्चों को वो जो सारे के सारे बच्चे हैं वो यहाँ से सीट लेफ्ट कर देते हैं, क्योंकि कौन यहाँ की फ़ीस पे करेगा, राइट। ये बच्चों के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन रहता है। सो इस कारण जो है यहाँ की ऑलमोस्ट थर्ड राउंड अभी आ जाएगा। जिन भी बच्चों के यार काफ़ी लो मार्क्स हैं वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जो आपको दिया गया है इस पर कॉल कर सकते हो। टिल लास्ट राउंड तक आपको कोई ना कोई किसी ना किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में, स्पोर्ट राउंड वगैरह में आपको जो है सीट अलॉट करवा दिया जाता है। काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से अच्छे हैं, जिनकी फीस काफ़ी कम है। सीएससी जैसे ब्रांचों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा 30-40 LPA तक होता है, वहाँ पे भी आपको अभी डायरेक्ट एडमिशन का मौका मिल रहा है। हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया गया है, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो ले सकते हैं गाइस। ठीक है, थैंक यू।